सुनीता। सुनीता वीर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चोको लावा इडली केक। इसको बनाने के लिए हम चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने हाफ कप चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। ये मुझे लावा बनाना है केक के लिए, इसलिए मैं ये चॉकलेट ले रही हूँ। इसको मुझे मेल्ट करना है, जो कि मैं डबल बॉल की सहायता से इसे मेल्ट कर लूँगी। एक बॉल में मैं पानी डाल दूँगी और उसके ऊपर ये बॉल को रख दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चॉकलेट इसमें डाल दिए और बॉल मैं आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने गर्म पानी है जो कि इस बॉल में डाल दिया है। इसमें हम अब अपनी चॉकलेट वाला बॉल रखेंगे। हमारी चॉकलेट अब मेल्ट होने लगेगी। फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 2 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट बाद इसको निकाल कर हम गोलियाँ बना लेंगे, जो कि हम केक के अंदर रखेंगे। हम चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, चोको लावा केक बनाने के लिए अब हम बैटर को तैयार करेंगे, उसमें सामग्री डालेंगे। आप देखिए, हमने 1 कप छनी हुई मैदा ली हुई है, इसी का 1/2 कप हमने छनी हुई मैदा फेर ली हुई है। ये 1.5 कप मैदा हो गई है। आप कोई ज़रूरी नहीं कपों से नापें, आप कटोरी से भी नाप सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने 1 कप शुगर पाउडर लिया है, जो कि हमने जिस कप से मैदा ली थी उसी कप से हमने शुगर पाउडर लिया है। इसको ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये कोको पाउडर है जो कि अब हम इसको ऐड करेंगे। ये 3 चम्मच है जो हम लोग यूज करते हैं घर में। फ्रेंड्स, अब हम एक बैटर तैयार करेंगे, उसके लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब मिक्स कर लिए। फ्रेंड्स, इसमें अब हम 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालेंगे। इसी की वजह से हमारा केक फूलेगा, स्पंजी बनेगा। अब हम मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब मन हो हमें केक बनाने का, तब हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिससे टेस्ट हमारे केक का अच्छा आएगा। ये 1/2 चम्मच नमक है। फ्रेंड्स, इसमें हम अब ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमें दूध की आवश्यकता नहीं है इसको मिलाने के लिए। हम पानी से इसको मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा बैटर बनके तैयार है। देखिए, इस तरह का आपको बैटर बनाना है। फ्रेंड्स, हमने इडली का बर्तन लिया हुआ है, इसमें हमने पहले इसके नीचे नमक डाल दिया है। ये नमक हमने पहले भी कई बार केक बनाने में यूज़ किया है, इसलिए आपको येलो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये नमक ही है। इसमें हम अब अपनी चोको लावा को बनाएंगे। इसके लिए हमें इसके इडली के बर्तनों में उसको ग्रीस करके रखते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने बर्तनों को ग्रीस कर रहे हैं, आप भी इस तरह ग्रीस कर लीजिएगा तो हमारे केक आराम से निकल आते हैं। सारे इन बर्तनों को इसी तरह ग्रीस करना है। फ्रेंड्स, हमने चॉकलेट को फ्रिज से निकाल लिया है, अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे जो कि हम केक के अंदर रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट की बॉलें बन गई हैं, अब हम केक में इनको रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें बैटर को। पहले थोड़ा सा और डालेंगे। इसमें हम ये चॉकलेट की जो बॉल है इसको रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर को फिर डालेंगे। फ्रेंड्स, फिर इसके ऊपर हम 1 चम्मच बैटर को डालेंगे, जिससे कि हमारी चॉकलेट बंद हो जाए, दिखाई ना दे।
फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसको हम इडली के बर्तन में रखेंगे। तीनों इडली की स्टैंड में हमको बराबर इसी तरह ही पेस्ट को भर कर रखना है और 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसको रखना है। उसके बाद इसको हम चेक करें। फ्रेंड्स हमने चोको लावा केक को इडली के बर्तनों में रख दिया है। अब इसको हम बंद करते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमारा केक बनकर तैयार है, अब इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इसको निकाल लिया। फ्रेंड्स इसको काट कर दिखाते हैं आपको, ये कितना टेस्टी, कितना यमी। देखिए आप, देखिए कितना यमी है, कितना टेस्टी है ये लावा केक। देखिए आप फ्रेंड्स, देखिए आप कितना अच्छा है, कितना यमी, कितना टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।